नमस्कार, मैं हिमांशी कुमार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के समर्थन में खड़े हो गए। जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि रविवार को कर्पूरी ठाकुर की जयंती थी और जो तमाम सियासी पार्टियां, चाहे वो जनाब मांझी हो या फिर तेजस्वी यादव हो, वो लगातार जो है कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं। और इसी को लेकर बकायदा तेजस्वी यादव ने 4:02 पर एक ट्वीट किया था। वो ट्वीट हम आपको पढ़कर बता देते हैं। उन्होंने लिखा था, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की हमारी पुरानी मांग है, लेकिन बिहार से एनडीए के 40 में से 39 संसद होने के बावजूद डबल इंजन की सरकार जननायक को भारत रत्न क्यों नहीं दे रही है? क्या इसलिए कि वो वंचित समूह से संबंध रखते हैं? सीएम इसके लिए विशेष रूप से पीएम से क्यों नहीं मिलते? और इसी के ठीक 20 मिनट बाद, यानी 4:24 पर नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के ट्वीट का जवाब दिया। और ये पहली दफा था और अप्रत्याशित, असाधारण कह सकते हैं, क्योंकि इसके पहले नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव पर उन पर झूठा जो है बेबुनियाद आरोप लगाने का जो है दावा किया था। लेकिन नीतीश तेजस्वी यादव के इस ट्वीट का जवाब दिया और क्या कुछ लिखा है। उन्होंने लिखा कि हमने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए अपनी अनुशंसा केंद्र सरकार को ही पहले ही भेज दी है। इससे पहले भी वर्ष 2007, 2017, 2018 एवं 2019 में भारत रत्न के लिए इनके नाम की अनुशंसा की गई थी। हमारी ख्वाहिश है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से विभूषित किया जाए। तो नीतीश कुमार का ये ट्वीट हैरान करने वाला था, क्योंकि कभी भी नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के ट्वीट का जवाब हाल ही दिनों में नहीं दिया है। तो इसके अब कई सियासी माने निकाले जा रहे हैं और खास करके यदि पिछड़ा वोट बैंक पर जो है अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए, क्योंकि भाजपा जो है अति पिछड़ा वोट पर जो अपना जो है राजनीति मजबूत कर रही है। क्योंकि अगर आप दो मंत्री देखें, चाहे वो तारकिशोर प्रसाद हो या फिर रेणु देवी, दोनों अति पिछड़ा बैकग्राउंड से आती हैं और बीजेपी अब उस पर अपना दांव चल रही है, जबकि नीतीश कुमार अति पिछड़ा वोट बैंक को अपना मानते हैं। नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इसे अपने वोट बैंक पर खतरा के तौर पर देखते हैं। और इसी को देखते हुए जब तेजस्वी यादव ने वाजिब मांग मांगी कि जो है कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न क्यों नहीं दिया जा रहा है, इसलिए क्योंकि वो अति पिछड़ा समाज से थे। इसके बाद लगातार जो है अब सियासी पारा गरमाता जा रहा है। बीजेपी को नीतीश कुमार ने घेर लिया है तेजस्वी के सहारे, और ये पहली दफा नहीं होगी। आपको याद होगा जब एनआरसी और सीए कानून आया था, तब तेजस्वी के सहारे से ही जो है उन्होंने ये कानून बिहार में पास करवा लिया और बीजेपी जो है मुंह देखती रह गई थी। हालांकि नीतीश के ट्वीट के बाद फिर तेजस्वी ने पलटवार किया और नीतीश कुमार पर फिर आरोप लगाया कि वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। अगर वो वाकई में चाहते तो कर्पूरी ठाकुर को बिहार रत्न जो है उन्हें मिल जाता। तो इस तरीके से तेजस्वी यादव के ट्वीट का जो है जवाब नीतीश कुमार ने दिया है, तो इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। क्या वाकई में तेजस्वी और नीतीश के बीच या सियासी नजदीकियां बढ़ सकती हैं? क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार अपने कुंबे को लगातार मजबूत कर रहे हैं, अलग अलग विधायकों को अपने पार्टी में शामिल कर रहे हैं, और हमने पंचायत हमारे संपादक नमन मिश्रा जी ने बताया किस तरह से नीतीश कुमार जो है वो 43 से अब 46 होने वाले हैं। तो क्या नीतीश कुमार कोई बड़ी प्लानिंग में है? क्या वो कुछ ऐसा करेंगे जिसके बारे में लोग सोच भी नहीं पा रहे हैं? तो इस तरीके से ये जो अप्रत्याशित था तेजस्वी यादव के ट्वीट का जवाब देना, तो क्या वाकई में राजद और नीतीश कुमार के बीच में नजदीकियां बढ़ रही हैं या बढ़ने वाली हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। खैर, आप देखते रहें भारत लाइव, आपको पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कुछ सुझाव देना चाहते तो कमेंट के जरिए बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700।